हाँ बेटा, संघवाद का मतलब होता है जो सारे राज्य जो होते हैं, हेलो, जब किसी सरकार पर केंद्र का शासन होता है तो उस व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं, समझे? तो संघवाद क्या है सब पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है? पर पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। तथा सत्ता की साझेदारी की इसमें बात की। इस अध्याय में हमें सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इसे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे और इसमें स्थानीय शासन के बारे में बात करें, ठीक है? संघवाद क्या है, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। मतलब केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना, मतलब केंद्र के देखा, आपने देखा हो दिल्ली में जो पुलिस है वो प्रधानमंत्री के अंडर काम करती है, केंद्र सरकार के अंडर काम करती है, ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि केंद्र सरकार के शक्तियों के अंदर कमी करना। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना, यानी केंद्र सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर में कमी करना, ठीक है? जो बेल्जियम में पढ़ा था आपने, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए, और ये जब केंद्र की शक्ति कम की गई तो उसको अधिकार किसको दिए गए, उसके प्रांतीय सरकार में राज्य सरकार को दिए गए, ठीक है? अच्छा, बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, और बेल्जियम में पहले भी प्रांतीय सरकार थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे? केंद्र द्वारा, और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, और कुछ बदलाव हुए प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही, और जो प्रांतीय सरकारें थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम में ने एकात्म शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली, और बेल्जियम में एकात्म संघीय, समझ में आ रहा है, संघीय मतलब केंद्र के अंदर। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार दिए गए, और जो बदलाव हुए प्रांतीय सरकार थी उनको कुछ अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं थी, और जो प्रांतीय सरकार थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं थी, ठीक है? इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्म शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्म शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। एकात्म सरकार में सारे अधिकार किसके पास होते हैं? केंद्र। और संघीय व्यवस्था में सारे अधिकार क्या होते हैं? बटे हुए होते हैं। कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, कुछ अधिकार राज्य सरकार के होते हैं। और जो हम संघवाद पढ़ रहे हैं ना, यानी वो व्यवस्था जिसके अंदर कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं, कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों के पास हैं। और एकात्म शासन व्यवस्था में क्या होता है? सारे अधिकार किसके पास होते हैं? केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्म शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्म शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, संघीय शासन व्यवस्था जिसमें सारे कुछ अधिकार केंद्र के पास हों, कुछ अधिकार राज्यों के पास, प्रांतों के पास हों। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है? अब देखो, इसने बोला नहीं संघीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया, क्या बताया इसने? इसमें संघीय शासन व्यवस्था में क्या बताया है ना, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसमें
है ना, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। संघीय शासन व्यवस्था शक्ति बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, समझ आ रहा है, दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसमें जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। मतलब इसमें राज्य की भी सरकारें हैं, वही इसको इसमें जा जाओ, इसमें राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें होती हैं, तो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, है ना। अच्छा बोतल वोतल लेके आया करो तुम, हेलो हेलो बोतल लेके आओ अपनी, पानी पीते रहोगे तो क्लास कब करोगे, अभी दो मिनट आए। हाँ, तो दो तरह की सरकारें होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक राज्य स्तर की। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं, ठीक है। अगला, इस सत्र में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। संघीय शासन व्यवस्था में बता दिया मैंने, कुछ कुछ पावर केंद्र सरकार के पास है, कुछ पावर राज्य सरकार के पास है, जबकि दूसरी व्यवस्था क्या है हमारी, हाँ दूसरी व्यवस्था क्या है हमारी बेटा बता, एक तो संघीय शासन व्यवस्था है और दूसरी एकात्मक, एकात्मक एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्ति किसके पास है बेटा, बोलो, सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है बेटा। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था के ठीक क्या है, तो हाँ, सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं। तो इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्म व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं, है ना, आगे ना। एकात्म व्यवस्था में क्या होता है, एक ही प्रकार की सरकार होती है और बाकी व्यवस्थाएं क्या होती हैं, इसके अंदर काम करती हैं। इसमें केंद्र सरकार या प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, सिर्फ केंद्रीय सरकार होती है इसमें। अभी क्वेश्चन आता है स्थानीय संघीय सरकार और एकात्म सरकार में अंतर बताइए, क्वेश्चन क्या आता है, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्म सरकार में अंतर बताइए, ठीक है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, समझे, संघीय सरकार में, क्योंकि संघीय सरकार में कुछ पावर्स केंद्र के पास होती है, कुछ राज्य के पास होती हैं, जबकि राज्य एकात्म शासन व्यवस्था में सारी पावर किसके पास होते हैं, केंद्र के पास होते हैं, है ना। अच्छा, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं, ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों पर बहाली होती है, अलग आ गया। तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्वेश्चन है आपका, कौन कौन सी हैं यहाँ पर, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है, क्यों क्वेश्चन क्या आता है, संघीय है ना शासन व्यवस्था की विशेषताएं। हाँ जी बेटा, हेलो हेलो, कौन सी क्लास में है, वहाँ पर जा पकड़ में, आज दीदी ने कितने बुलाया था याद है, बगल में जाओ और दीदी से कहना सर से बात कर लो, जल्दी पक के जाओ, नहीं आप तो उधर पढ़ेंगे, हाँ क्या कहेंगे हम, अब क्वेश्चन लिखो बेटा, संघीय शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, विशेषताएँ में जो दिखाई दे रही हैं, हाँ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, संघीय व्यवस्था की, उनको पढ़ाओ आप, इनको क्या करो, इनकी कॉपियों में होमवर्क होगा, सुनो जैसे मैं बोलूँ वही फॉलो करना, इसके अलावा ना आगे ना पीछे, इनकी कॉपी में जो लिखा हुआ है वही इनको काम होमवर्क दे दो और बैठ कर इनको याद कर दो और कल इनको बुलाओ 6 बजे, 6 से 7:30, ठीक है, क्या जो इनकी कॉपी हैं स्कूल की हैं उसी कॉपी से होमवर्क दे दो और 9th क्लास में पढ़ा दो, ठीक है। संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, देखो बेटा संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, मिल गया, संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं, बोलिए बेटा। तो सबसे पहली क्या है कि देखो, हमें बताया था इसमें कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार के पास है, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तर वाली होती है, पता ना, बांट दी सकती सकती है उन्होंने, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने पगर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, यानी सबका अपना, आपको पता होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट है वो संघीय व्यवस्था है, हर स्टेट का अपना टैक्स प्रोसीजर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना है, कभी देखना किसी राज्य में अलग चीज़ें सस्ती महंगी हैं, अगर आप देखोगे कहीं कुछ चीज़ सस्ती है, कहीं कुछ चीज़ महंगी है,
दैट इज द क्रिटेरिया है ना इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन आर्गुमेंट इन द पॉइंट. तो ये है हमारा संघीय शासन व्यवस्था, इनके अधिकार क्षेत्र है, दूसरा पॉइंट समझ में आता है. तीसरा क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है. मिल गया, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार, अलग अलग स्तर की सरकार के अधिकार होते हैं, हमारी भारतीय सरकार भी ऐसी है. क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है. संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेला नहीं बदल सकती. संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, यानी जो प्रावधान है कोई एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती, है ना. अच्छा, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, दोनों ही स्तर की, यानी कोई भी नियम एक स्तर की नहीं बदल, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा दिल्ली गवर्नमेंट के वही कानून बदल दिए, नहीं बदल सकती. दोनों से मिलजुल के बात होगी तभी बदलाव हो सकेंगे. अदालतों के संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है. विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है. अगर मान लो राज्य स्तर की सरकारों में कुछ मतभेद हैं, सेंट्रल राज्य में कोई मतभेद हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार में मतभेद हैं, तो उनके निर्णय की सुनवाई कहाँ होगी, सर्वोच्च न्यायालय में, जो हमारे दिल्ली में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट. वित्तीय स्वायत्तता निश्चय करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं. वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं, मतलब सबके अपने टैक्स, राजस्व मतलब होता है टैक्स, अपने तरीके टैक्स मतलब वो लेते हैं. इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना. मतलब संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता को उसकी सुरक्षा करना, जो देश है उसकी यूनिटी को मेंटेन रखना और उसे बढ़ावा देना और उस यूनिटी को क्या करना, आगे चलाना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का पूरे सम्मान करना. इस कारण संघीय व्यवस्था, बात समझ आ रहा है, क्षेत्रीय मतलब रीजनल एरिया पर विविधताओं को पूरा सम्मान करना, मतलब जो डाइवर्सिटी है, कुछ हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई अमीर, कोई गरीब, है ना, तो इस तरह के लोग में डिफरेंसेस को ख़त्म करना, मतलब मेंटेन रखना, लोगों को मतलब झगड़ा नहीं देना है. इस कारण संघीय व्यवस्था है ना के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं. विभिन्न स्तरों की सरकारों के कहाँ तुम लेके नहीं आया सामान, लेके आया करो एक बार में, पक्के जा. हाँ, काम के दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है. विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, ठीक है. आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति. अच्छा, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है. यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई. संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से संगठित होती हैं. पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का. इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपना संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अभी अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं. साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह. इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांत को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं. अच्छा, संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन है, मतलब होते हुए केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं केंद्र के की अपेक्षा. संघीय शासन व्यवस्था को गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, मतलब सत्ता का बंटवारा, यानी कहने का कुछ पावर राज्य के पास होगी, कुछ पावर केंद्र के पास होगी. अच्छा, भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं. इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्य के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है. अच्छा, अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों का समान और इसमें राज्य के कंपैरिजन कौन सा शक्तिशाली है, केंद्र, हमारे इंडिया में यही है ना. संघीय व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश अब द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर उस राज्य और
राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के वर्ग से यानी राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। ठीक है, अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। मिल गया, अच्छा आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था क्या कहता है? हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को अब भी अपनी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्तरंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान में ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए हम ने सुपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या जिसे केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार, समझ में आ रहा है? संघीय व्यवस्था नहीं, संघ सरकार, जैसे केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकार जो राज्य सरकारें होती हैं, जैसे हमारा दिल्ली है ना, यूपी, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये सारी बात है। ठीक है, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय आप वो पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं सर आज को मैं अंदर सर बैठे ना सारे बजे सर के पास जाओ अंदर। सर कहाँ हैं? अभिषेक सर, अभिषेक से पढ़ो जाकर, तुम भी जाओ अंदर। अभिषेक सर हैं, तुम्हारा नाम क्या है? अंदर जाकर पढ़ो। कौन सी क्लास में हो? अंदर जाकर पढ़ो सर से। हाँ अंदर जाओ, आप भी अंदर जाओ सर से जाकर पढ़ो। अभिषेक सर जाके जाओ, जाओ ओके जाओ अंदर, चलो। हाँ अंदर से मैं आ गया बेटा। हाँ अच्छा, आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में 5 पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। फिर बाद में अब केंद्र संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और संघीय सरकार मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और एक प्रांतीय सरकार जिसमें सिर्फ प्रांति हैं। और फिर बाद में क्या हुआ, केंद्र और राज्यों का दूसरा स्वरूप भी जोड़ा गया, मतलब केंद्र राज्य का मतलब कह रहा हूँ, नगर क्या जोड़ा गया, पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नाम सुना होगा आपने, गाँव में होती हैं पंचायतें होती हैं। दो स्तरीय शासन व्यवस्था समय आ गया, संघ सरकार, संविधान मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले है संघ सूची। क्या है संघ सूची? में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में बड़े विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। दूसरे में राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में बड़े, तो क्वेश्चन होता है क्या है, पता है क्वेश्चन क्या है? है ना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब संविधान में, समझे क्या है? हाँ, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया, यानी विधायी मतलब संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को कितने रूप में बांटा गया है और वो कौन कौन से, दैट इज अ क्वेश्चन। क्या होता है क्वेश्चन, क्या होगा,
क्या लिखोगे क्वेश्चन? हाँ बेटा, हाँ, केंद्र और राज्य सरकारों ने के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? क्वेश्चन क्या होगा? हाँ क्या होगा? अधिकारों को कितने बीटों बांटा गया है, बांटा है, ठीक है? क्या लिखोगे? संविधान ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों को कितने वर्गों में बांटा है, किन किन रूपों में बांटा है, शक्तियों को किन किन रूपों या कितने वर्गों में बांटा है, किन किन रूपों में बांटा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? संविधान ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों को किन किन रूपों में बांटा है? कर लोगे बेटा? तो संघ की सबसे पहले संघ सूची में पितृरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, सरकार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों में को संघ सूची में डाला गया है। समझ में आया? संघ सूची में पितृरक्षा, बात की रक्षा के बारे में, विदेशी मामले एक देश के दूसरे देश से, बैंकिंग हो गई आपकी, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, समझे? इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। इस संघ सूची में बड़े विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, यानी जो भी गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, ना कि राज्य सरकार है। राज्य सूचियाँ पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं जो राज्य सूची में डाले गए हैं। राज्य सूची में बड़े विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और इसमें सिर्फ राज्य सरकार, अपनी अपनी राज्य सरकारें होंगी, वो अपने अपने कानून बनाएगी। अब बात करते हैं तीसरी, क्या संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाद, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझ जी दिलचस्पी में आते हैं। गोद लेने ले रही थी को आप गोद ले लेते हो, अपनी उत्तराधिकार ट्रांसफ़र करना, जैसे होता है कि अपना उत्तराधिकारी बना लेते हो किसी को, रिप्रेजेंटेटिव भाई ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ की होगी, सारी बात, ठीक है, आते हैं, ठीक है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मतलब दोनों मिलकर कानून बनाएंगे संवर्ती सूची में, लेकिन अगर किसी कारणवश दोनों में टकराव हो जाता है किसी बात को लेकर, तो बाद में सारी बात किसकी मानी जाती है? केंद्र सरकार की। कैसी रही यहाँ तक समय आता है? तो तीन सूची हो गई तुम्हारी, कौन कौन सी थी? पहली सूची संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्ती सूची। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? जो विषय इनमें से नहीं आते मतलब वो कहाँ जाएंगे? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं? जो पहले थे वो तो आ गए, लेकिन जो संविधान बनने के बाद विषय है उन्हें कहाँ रखा गया? अच्छा, हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, और जो बाकी विषय बने बचे वो किसके अधिकार क्षेत्र में चले गए? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है। यानी आप जम्मू कश्मीर के बारे में सुनूंगा, अभी आजकल चली रहा है डिबेट 370 धारा 370, याद है आजकल न्यूज़ में बड़ा फेमस है। हम उस पर नहीं जाते, हम अपने टॉपिक पर जाते हैं फिर से, कि भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। मतलब सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त, जबकि कुछ को तो बहुत विशेष दर्जा से जम्मू कश्मीर को। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। यानी जम्मू कश्मीर के पे क्वेश्चन जाता है, यानी एक ऐसा राज्य जिसका अपना संविधान है, जबकि बाकी संविधान भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, बाकी सभी राज्य भारत का जो संविधान इसको फॉलो करते हैं, जम्मू कश्मीर एक ऐसा है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। जो भी इस राज्य में है ना विधानसभा की अनुमति, जो विधानसभा विधान परिषद होती है, राज्य की अपनी विधानसभा होती है जिसके आपको पता है नेता बैठते हैं, जिससे सीट इलेक्शंस होते हैं चुनाव, जैसे भारत में दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की, हर राज्य की अपनी सीटें होती हैं विधानसभा की। तो विधानसभा की अनुमति के बगैर इस राज्य में विधानसभा की अनुमति
विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। भारतीय संविधान के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती। इस राज्य के स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता। बाहर का कोई भी बंदा चाहे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बाई करना, वो यहाँ पर प्रॉपर्टी बाई नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ कहाँ के बारे में बात हो रही है? तुम्हारे दिमाग ही नहीं है, फालतू की बात कर रहे हैं। सबसे बोले जा रहे हैं फिजूल में, कहाँ की बात कर रहे हैं मैं? तो फिर फिजूलों क्यों बोल रहे हैं बार बार? ज़्यादा बोलना ज़रूरी होता है? जब बता रहा हूँ फिर भी बोले जा रहे हैं, कहाँ की बात कर रहा हूँ? फिर पता है फ्री बात बोल रहे हैं, पढ़ो ध्यान से, दिमाग में नहीं आएगा फालतू में बोल रहे। क्लास ट्यूशन भी आते रोज। हाँ, कहाँ थे हम? तो इस राज्य में ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। नहीं समझे जम्मू कश्मीर के बारे में? जम्मू कश्मीर स्पेशल आ जाता है, नोट लिखो जम्मू कश्मीर पर, तो तुम वाला टॉपिक ले सकते हो। जम्मू कश्मीर पर नोट लिखिए, क्या आता है? जम्मू कश्मीर पर एक नोट लिखें, एक नोट लिखें। तो जो जो मैं बता रहा हूँ ये आप सब लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हैं। असल में भारत के कई अन्य प्रदेश के लिए भी कुछ ऐसे ही विषय प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे हैं जिनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूर्ण रूप से काम करें। जैसे दिल्ली, दिल्ली में पुलिस जो है राज्य सरकार के पास नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। और जिन तो बहुत भारत में से बहुत से राज्य जिनके पास अपनी पास पुलिस है, जैसे यूपी के पास है ना, तो इस तरह की। अच्छा, इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित का मतलब होता है ये सारे प्रदेश किसके अंदर काम करते हैं? केंद्र के अंदर काम करते हैं। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। और ये सारे काम किसके अधिकार पास हैं? क्योंकि इनके पास पूरी पावर नहीं है। हम मतलब समझ आ रहा है? इनके पास इतनी पावर नहीं है। इनके डिसीजन कौन लेता है? केंद्र सरकार लेती है। यहाँ तक समझ आ रहा है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है। आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ जब पास होती है तो संसद में क्या किया जाता है? उसे 2/3 बहुमत में पास किया जाता है। मतलब संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो संसद पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा, बात समझ आ रहा है? संसद पार्लियामेंट कहते हैं इसको, है ना। तो उसके दो सदन होते हैं और दोनों के मिलकर 2/3 सीट है। जैसे हमारी लोकसभा की इतनी सीट है 543 और राज्यसभा की है 245 और लोकसभा की 243 है। वैसे वो 543 हैं, दो एंग्लो इंडियन होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होती हैं। ऐसी 238 शायद होती हैं आपकी राज्यसभा में, और 12 एंग्लो इंडियन होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भी उन्हें बैठाया जाता है। जैसे कल्चरल सांस्कृतिक ये जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, वो जो बैठाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर काम कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। तो यानी कोई भी नियम यानी कानून बनाने के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं? ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में ही 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है, या आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर, तब जाके वो नियम पास होता है। विधानसभा तो समझ में, हर राज्य की अपनी विधानसभा होती है। यस, भारत में अगर जितने भी स्टेट्स हैं उन सबकी अपनी विधानसभा होगी। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देख रेख में नगर पालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के, नगर पालिका मतलब जो सरकार है आपकी चला रही है। अच्छा, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अभी कोई विवाद हो गया या तो उच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। हर राज्य की अपनी हाईकोर्ट होती है, उच्च न्यायालय होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय देश का एक ही होता है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, जो दिल्ली में। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने की अधिकार है। ठीक है, हाँ समझ आ रहा है? क्या कह रहे थे? सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही, मतलब सरकार चलाने अपना, तो वो गवर्नमेंट सरकार चलाने की क्या करती है? टैक्स वसूल करती है, हर जिसे कहते हैं राजस्व हिंदी में। ठीक है, टैक्स को राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। केंद्र सरकार भी कर लगाती है और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कर लगाती है। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? यहाँ तक अगला टॉपिक है हमारा।